हेलो फ्रेंड, मैं नईम खान, NAPR होम बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं जो कि आज रजिस्ट्रेशन के बारे में और पिन ट्रांसफ़र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम पे क्लिक करना है और यहां पे आपको सर्च बार में टाइप करना है NAPR होम बिजनेस डॉट कॉम। ये देख सकते हैं आप, NAPR होम बिजनेस डॉट कॉम। इसको आप क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके पास खुल जाएगा और आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे इसको थोड़ा ऊपर कर देना है तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है फ्रेंड। और यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पे क्लिक करना है और अपना यूज़र आईडी डालना है जो आपके मोबाइल नंबर है जिससे आईडी बना है, और यहाँ वो पासवर्ड डालना है जो आपके मैसेज में आया है पासवर्ड, और यहाँ पे फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, अभी हमको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आईडी ओपन हो गया। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रॉस करना है इसको, फिर उसके बाद यहाँ क्लोज का निशान है, हटा दीजिए। अभी इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले पिन ट्रांसफ़र करना है। अगर तो पिन ट्रांसफ़र करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पिन ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। पिन ट्रांसफ़र पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना है जिसको पिन भेजना है। आईडी नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर है जो कि जिससे उसका आईडी बना हुआ है। यहाँ पे आपको 1 2 3, तो जितना भी पिन ट्रांसफ़र करना है, अगर 10 करना है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 10 टाइप कर दीजिए। और अगर 20 पिन भेजना है तो 20 लिख दीजिए, और अगर एक पिन भेजना है तो 1 यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अपना डालना है जो आपके लॉगिन पासवर्ड के साथ में आया होगा मैसेज में, उस पासवर्ड को आप यहां डाल के और यहां ट्रांसफ़र पिन पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसफ़र पिन सक्सेसफुली दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी ये तो हो गया पिन ट्रांसफ़र का, अभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन करने के। अभी हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमको पिन लिस्ट पे क्लिक करना है। यहां से हमको पिन निकालना है, पिन कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पिन पिन लिस्ट पे क्लिक करिए, जैसे ही आप पिन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पिन दिखाई देगा, जैसे कि ये 2 पिन यूज़ दिखा रहा है, 1 पिन अनयूज़ दिखा रहा है सबसे ऊपर वाला, तो इसको हम यहाँ पे टिक करके रखेंगे। यहाँ पे टिक करके रखेंगे तो ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा और इसको कॉपी कर लेना है फ्रेंड। ये कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसको सबसे पहले ये देखना है कि हमको अपने फर्स्ट यूज़र लिंक पे डालना है या सेकेंड यूज़र पे डालना है। तो हमको अभी डालना है सेकेंड यूज़र पे, तो हम सेकेंड यूज़र पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा फ्रेंड, फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पिन आपको कॉपी करना है, कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। जो हमने पिन कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने दबा के रखा थोड़ा सा, तो पिन पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। अभी यहाँ पे हमको फर्स्ट नाम में नाम डालना है जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर फर्स्ट नाम की जगह मान लीजिए सिर्फ सिंगल नाम में ही है, जैसे कि हारून, अगर हारून है और उसके आगे कुछ नहीं है तो लास्ट नाम में डैश लगा देंगे। और अगर आपका फर्स्ट नाम लास्ट नाम दोनों है तो फर्स्ट इसमें डालें, लास्ट इसमें डालें, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप कंट्री, ठीक है फ्रेंड, कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इंडिया हो गया, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे, जब हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे तो पहला वर्ड अगर कैपिटल है, बड़ी इंग्लिश में है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखें वही पासवर्ड जो सेम यहाँ पे डाला है वही सेम यहाँ पे डालना है, लेकिन बड़ी इंग्लिश में ही यहाँ पे पहला वर्ड डालना है आपको ध्यान से। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि चार्जर है तो ये सिलेक्ट करना है, पावर बैंक है तो ये सिलेक्ट करना है, स्पीकर है ब्लूटूथ स्पीकर तो इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ, देखिए फ्रेंड यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, अभी 2 नंबर कम है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे आप ईमेल आईडी नहीं भी होगा तो डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड एकदम सेम रखना है दोनों में,
ठीक है, और आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल जब आएगा तो वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ओपन हो जाएगा और उस पर आप स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे, उस पर उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे रहेगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड और क्या नाम है आपका लॉगिन पासवर्ड, ये सारा यहाँ पे मौजूद हो जाएगा जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपने उस यूज़र को दे सकते हैं जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और दूसरा, आप जैसे ही उस पर ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये हो गया और ये पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। इसके बाद में अभी कंप्लीट ये फॉर्म हो चुका है और यहाँ पे मैं अभी इसको सबमिट करने वाला हूँ तो रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। देखेंगे आप, ये रजिस्ट्रेशन डन हो गया फ्रेंड। तो इस तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कंप्लीटली आप किसी का भी रजिस्ट्रेशन इसी तरीके से करें और फिर आप इस पेज को बैक कर देंगे तो आप आकर के देखेंगे यहाँ पे जो आपका पिन अनयूज दिखा रहा था ये, तो अभी ये यूज दिखाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड तीनों पिन यूज हो गया है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं और पिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको।